जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने ठीक दिल्ली बॉर्डर से 6:05 पे आपका दिल्ली से अयोध्या तक का सफ़र शुरू किया। तो हमारे सफ़र की शुरुआत हुई दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से। उसके बाद हम आगरा जयपुर हाईवे पे भी चले थोड़ी देर तक, और फिर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी टोटल दूरी है 305 किलोमीटर की, उस पर हमने अपना सफ़र आगे जारी किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे दोस्तों हमने ठीक 101 किलोमीटर बाद रेस्ट रूम पर रुककर नाश्ता वगैरह किया, और 20 मिनट का हमने पूरा एक वहाँ पे ब्रेक भी लिया। उसके बाद हमने अपना सफ़र फिर से आगे जारी किया दोस्तों, और ठीक 11:25 पे हम लखनऊ टच कर गए। अब इसी वीडियो का दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आपको लखनऊ से अयोध्या तक का सफ़र दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि लखनऊ सिटी को हम बहुत कम समय में किन किन रास्तों से होते हुए जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ से अब शुरू होता है इस वीडियो का अगला भाग। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। जय श्री राम दोस्तों। और हम जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए, जो अभी बन रहा है। तो पहला ब्लॉग आपने हमारा देखा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का, लखनऊ के कट तक का, लखनऊ तो हम नहीं गए। खैर 11:28 हो गए हैं यहाँ पे, और दिल्ली से हम 6:05 पे चले थे। तो यहाँ से आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे, यहाँ से कितना समय लगता है आपका आगे तक। फ़िलहाल है हम NH 28 पे, हमें चलने के लिए कह रहा है, हम जा रहे हैं, और आगे 2.5 किलोमीटर से लेफ्ट होने के लिए कह रहा है NH 731 के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 22 तारीख को अगले महीने उद्घाटन है श्री राम मंदिर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो 2 से 3 महीने के अंदर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो हमने सोचा एक बार आप लोगों का अंदाज़ा लगाया जाए कि भाई, जिससे आप लोग भी देख सकें कि दिल्ली से क्या हम लोग सेम डे दर्शन करके वापस आ सकते हैं, ये रास्ता कैसा है, कितना समय लगता है पहुँचने में। तो पूरी डिटेल हमने आपको दी है पहले वाले वीडियो में, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम एक्सप्रेसवे से उतरकर अयोध्या के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है NH 28, और इसकी हालत आप देख सकते हैं फिलहाल कैसी है, गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं और पैच वर्क भी काफ़ी हो रखा है इस पर। तो यहाँ से लेफ्ट कह रहा है लखनऊ शहर के लिए, और हम कहाँ से जाएंगे, हाँ भाई ऐसे कह रहा है, क्योंकि ये लखनऊ सिटी की तरफ हमें लेके जा रहा है, तो थोड़ा सा आप ट्रैफिक हमें स्लो ही मिलने वाला है। तो पूरे 650 किलोमीटर के सफ़र में दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि 510-520 किलोमीटर हमें एक्सप्रेसवे पे चलना था, इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला और बहुत जल्दी हमने उसे कवर भी किया। और दिल्ली से अब लखनऊ तो बहुत आसान हो गया है, 5-5.5 घंटे में आप आ सकते हो एक ब्रेक लेके। फिलहाल यहाँ थोड़ा जाम है। तो एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद हम चले NH 28 पे, उसके बाद 250 मीटर बाद हम राइट हो गए, फिर भी उसके बाद भी हम NH 28 पे ही चले, और लगभग 2.5 किलोमीटर बाद लेफ्ट होने के बाद हम 731 पे चल रहे हैं फिलहाल, NH 731। अभी हम फिलहाल NH 731 पे हैं। तो भैया गूगल मैप हमें काफ़ी घुमा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत ज़्यादा घुमा के ले जा रहा है। तो भैया रेड लाइट आई है, और यहाँ से क्या कह रहा है ये राइट जाने के लिए, फिलहाल तो घुमा रहा है। और अब है मान्यवर श्री काशीराम स्मारक स्थल पे। तो भैया गूगल मैप दिखा रहा दो रास्ते, एक दिखा रहा सीधा जो 140-142 किलोमीटर का है, और एक दिखा रहा राइट से जो 162 किलोमीटर का। मगर फ़र्क दोनों में क्या है कि राइट वाला बाहर बाहर से ले आ रहा है, इसमें जाम नहीं है और वो जल्दी पहुँच रहा है उससे। तो दोनों रूटों पर 9 किलोमीटर का फ़र्क है, और टाइमिंग सेम है 2.5 घंटे। तो राइट से जाएँ तो जाम फ्री रास्ता है, सीधा जाएँ तो सिटी से होकर जाना पड़ेगा और उसमें जाम भी मिलेगा आपको। तो हम जाएँगे राइट होकर, और सामने है मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल, तो इससे हो जाएंगे अब राइट। इतनी गाड़ियों की आवाज़ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है पता नहीं
कितनी बड़ी सिटी में आ गए। तो ये जो राइट वाला रास्ता है ना दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि आपको जाम नहीं मिलेगा, और आप सिटी से जाओगे तो आपको मिलेगा जाम, क्योंकि 9 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों में ना। और एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है 2.5 घंटे पहुँचने का यहाँ से। तो कोई लखनऊ का बाईपास नहीं दिखाया इसने हमें कि हम पूरा लखनऊ उससे बाईपास कर जाते, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। सिटी से होकर जाना तो आपको पता ही है, जाम झेलो, रेड लाइट्स झेलो। तो स्मारक से राइट होने के बाद हम मेट्रो के साथ साथ चल रहे हैं। 2.5 किलोमीटर का ही स्ट्रगल दिखा रहा है, उसके बाद फास्ट दिखा रहा है, स्लो जो है वो 2.5 किलोमीटर ही है। तो राइट होने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर से आपको लेफ्ट होना है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट नगर की से रेड लाइट और मेट्रो स्टेशन क्रॉस करके आपको होना है लेफ्ट। यहाँ से हम हो गए लेफ्ट और अब खुला रोड मिलेगा हमें। बाबा गूगल बाबा दिखा रहे हैं अभी, अब जाम नहीं है सीधा। तो यहाँ से मैं सीधा दिखा रहा है, और ये लखनऊ के मिलेगा आउटर रिंग रोड है, ये हमें लेके जा रहा है लखनऊ की आउटर रिंग रोड से। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सही हुआ ये, सिटी में जाने से बढ़िया अच्छा है कि हम अपना आउटर रिंग रोड से निकल जाएं, तो जाम से बचेंगे, गाड़ी के लगने से बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा जाम है। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के बाद हमें लेफ्ट, जब हम लेफ्ट होते हैं तो वहाँ से हमें 10 किलोमीटर इस रोड पर चलना है, उसके बाद हम अयोध्या रोड से जुड़ जाएंगे। राइट होना है मतलब हमें 10 किलोमीटर इस पर चलने के बाद, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेस्ट है देखो, इस पर कोई ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं है, और 80 की स्पीड लिमिट है इस पर, और हम ठीक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा कि आप जाम जुम में ना फंस के इसी रूट का प्रयोग करें। तो जो जाम हमने झेला ना, वो हमने वही झेला काशीराम जी के चौराहे पे। दिल्ली 509 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। बाकी तो जब से हम इस पे ट्रांसपोर्ट नगर से लेफ्ट हुए हैं, देखिए सीधा सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा सीधा, और स्पीड लिमिट कभी 80 हो रही है तो कभी 60, मगर ठीक है, ट्रैफिक जाम नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता। तो मैं आपसे यही कहूँगा भैया, आप सिटी के अंदर से मत जाना बिल्कुल भी, सिटी के अंदर एक बार फंसे तो घंटों में निकलोगे बाहर। देखिए सामने लिखा भी आ गया अयोध्या 136 किलोमीटर, बाराबंकी 27 और गोरखपुर 267 किलोमीटर है यहाँ से। ट्रांसपोर्ट नगर से लेफ्ट होने के बाद काफ़ी देर से हम लंबा चल रहे हैं, लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास हम चल भी चुके हैं। रेड लाइट कोई नहीं है, मगर ट्रैफिक बहुत स्लो है, मतलब 50-60 की स्पीड ही मेंटेन हो पा रही है। रेड लाइट हमें कोई नहीं मिली फिलहाल, गोमती नगर क्रॉस किया पीछे हमने। तो अयोध्या के लिए राइट लिखा आ गया दोस्तों, देखो यहाँ से ना 123 किलोमीटर रह गया, और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट अयोध्या के लिए। मुझे लग रहा है गोल चक्कर में घूमना पड़ेगा फिलहाल, यहीं से नीचे से राइट जाएंगे तो श्योर नहीं हो पा रहा, और ये लेफ्ट साइड से जो आ रहा है रास्ता, ये आ रहा है सिटी से, और हम हो गए यहीं से राइट। तो फिलहाल गाड़ियाँ सारी रॉन्ग साइड जाके राइट हो रही, तो हम भी रॉन्ग साइड जाके ही राइट हुए हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर से लेफ्ट होने के बाद ये 15-16 किलोमीटर बाद कट पड़ा था राइट का, लिखा हुआ आ जाता है अयोध्या के लिए राइट। अब यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा जाना है, हमें कहीं मुड़ना नहीं है, थोड़ा सा जाम है उसके बाद सीधा बढ़िया उसके बाद देखते हैं। चलिए बताते हैं आपको, ये भी जाम भी है कि भाई यहाँ बस स्टैंड है तो बसें रुकी भी, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक स्लो है।
तो अवध बस स्टैंड से राइट होने के बाद ना आपने सीधा चलना है 121 किलोमीटर तक, उसके बाद ही कहीं जाके लास्ट में ये 2-3 किलोमीटर पर लेफ्ट बता रहा है। हम बिल्कुल सीधा जा रहा है, हमने कहीं मुड़ना ही नहीं है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं पंप, एक बार गाड़ी को सोच रहे हैं दोबारा से फुल करा लें। काशीराम जी स्मारक जो पड़ा था, अगर उससे हम राइट ना होकर सीधे आ जाते तो हम वहाँ पे आते जहाँ से अभी हम राइट हुए सिटी से घूमकर पूरा, मगर हम आए बाईपास लेके, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा फ्री वे मिला। मैंने जितने ही मोड़ हैं आपको वीडियो में शो कर दिए हैं, अब यहाँ से और घर सीधा जाना है। और ये लब्बा लब्बा क्रॉस ही हो गया हमारा ना इलाका, थोड़ा रश वाला, अब हाईवे जुड़ जाएंगे ना सीधे सीधे चलेंगे। तो हमें 6 घंटे 10 मिनट हो गए हैं दिल्ली से चले हुए फ़िलहाल, मैं आपको बता दूँ, और 20 मिनट का हमारा इसमें ब्रेक था। ये वाइट जो स्कॉर्पियो है ये खड़ी हुई थी सड़क के बीचों बीच, तो वही नेताओं का शहर है ये, तो यहाँ पे हर तरीके के नेता मिलेंगे आपको। गाड़ियाँ ज़्यादातर VIP मिलेंगी क्योंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की है। तो चल रहे हैं आगे, अब आपको आगे दिखाते हैं। फाइनली सिटी तो क्रॉस हो गई है अयोध्या, 119 किलोमीटर सीधा और राइट हो जाए तो कानपुर, और कानपुर से फिर हम फिरोजाबाद वगैरह आगरा वगैरह होकर दिल्ली आ सकते हैं। अगर आगे पुल के नीचे से राइट हो जाए हम जाएंगे सीधा अयोध्या के लिए। तो बड़ा एकदम से एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको जब आप एक 6 लेन एक्सप्रेसवे से गाड़ी चला के लाओ 500 किलोमीटर और लास्ट के 150 किलोमीटर आपको 4 लेन पर चलानी हो, तो आपको बिल्कुल अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है, सब बदलाव करने पड़ते हैं। ब्रेक जहां आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करे होते ब्रेक परमानेंट यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा था कि भैया ये नहीं पता कि लखनऊ से अयोध्या का हाईवे कैसा है, तो फिलहाल तो 4 लेन हाईवे है, थोड़ा स्लो है, कट ज़्यादा है साइडों में जिस वजह से ट्रैफिक स्लो है, हाई स्पीड नहीं है मतलब ना, मगर हम तब भी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रहे हैं फिलहाल। और ये है नेशनल हाईवे 27, मगर ठीक है, अगर ये सिंगल रोड होता तो थोड़ी सी परेशानी रहती और स्लो जाता, क्योंकि ये 4 लेन है तो हम स्पीड इस पर मेंटेन कर ही लेंगे। 12:25 का टाइम हो गया दोस्तों, अब बढ़ रहे हैं हम अयोध्या के लिए आगे। तो पेट्रोल पंप की बात करें दोस्तों, तो लखनऊ सिटी के अंदर आपको जिस रूट से हम निकल के आए हैं बस 2 ही पेट्रोल पंप पड़ते हैं, तीसरा ये है। और रूट की बात की जाए तो इस रूट की ना मुझे लग रहा है रिपेयरिंग होने वाली है, क्योंकि आपको पता है राम मंदिर जब शुरू हो जाएगा भक्तों के लिए, तो इस हाईवे को भी दुरुस्त किया जाएगा जिससे कि फास्ट हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि लोग पहुँचेंगे वहाँ दर्शन करने के लिए प्रभु राम के। तो जिज्ञासा तो हमारे अंदर भी है, मगर अभी तो आपको पता ही है एंट्री तो होगी नहीं, मगर देखते हैं कितना तैयार हो चुका है, बाहर से क्या नज़ारा है वो सब चीज़ देखते हैं आपको दिखाते हैं। फिलहाल हाईवे की कंडीशन ये है कि हाईवे खाली है और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से 90 की स्पीड में चल रहे हैं। आज तो आपको ये रूट खाली खाली नज़र आ रहा होगा, 4 लेन हाईवे है ये, मगर जिस दिन ये मंदिर शुरू हो जाएगा ना यहाँ पर खूब रश रहेगा। तो ये अयोध्या से होते हुए दोस्तों बलिया तक जाता है रास्ता, अपने वहाँ से गोरखपुर भी निकल जाता है, या बीच में से कोई कट आते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा आज। तो आप लोग अगर चाहे ना तो दिल्ली से सीधा वाया कानपुर होके भी आ सकते हैं, उस पर आपको एक्सप्रेस वे से नहीं आना होगा और आपको पूरा लखनऊ शहर भी नहीं घूमना पड़ेगा क्योंकि पीछे कट आया था, बट ये है कि भैया टाइम लगेगा उसमें बढ़िया, और इस पर हमारा टाइम बिल्कुल नहीं लगा। 4 लेन हाईवे अच्छी खासी कंडीशन में है और एक्टिव है काफ़ी ना, जैसे कि एक्सप्रेस वे काफ़ी ज़्यादा वो जाता है ना कई बार सुस्ती सी आ जाती है, उसमें वो सीन नहीं है, यहाँ पर आप एक्टिव रहेंगे। लेकिन 2 लेडीज़ बिठा रखी इस आदमी ने ना, देखिए और कहाँ जा रहा है ये बंदा, मैं गाड़ी को 60 पे लेके चल रहा हूँ, मेरे से तेज चल रहा है ये, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत क्या लाइफ में भाई। तो फिलहाल हाईवे जो है वो बिल्कुल मस्त है। तो पीछे लिया था डीजल और वहाँ पे ब्रेक लग गया हमारा लगभग 10-15 मिनट का, क्योंकि मशीन नहीं चल रही थी वाईफाई की। अभी है कहाँ पे ये तो जगह में पता नहीं, आगे दादरा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से राइट हो जाए दादरा चले जाएंगे। डीजल डलवाने का फिर बढ़ गए आगे, तो गाड़ी में फ्यूल अगर फुल होना तो फिर टेंशन थोड़ा कम रहती है, क्योंकि आगे सिटीज़ में कितना जाम मिलने वाला है ये हमें श्योर नहीं होता, पता नहीं होता। जैसे अभी आप देख रहे हैं लखनऊ में ही हमें
पर लगभग 45 से 46 मिनट लग गए लखनऊ क्रॉस करने में। टोल आ गया दोस्तों यहाँ पर भी, अब यहाँ भी आपको देना पड़ेगा टोल। अभी आपको बताते हैं देख के कि आपको कितना टोल देना है। भैया कितना टोल है यहाँ पे आने जाने का? तो ये 115 रुपए टोल है और अगर वापसी करते हैं तो टोटल 170 रुपए आने जाने का 24 घंटे के अंदर। तो हम तो इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें तो आज ही वापस जाना है। ये टोलों के जब कटने के बाद ना दोस्तों कई बार तो मैसेज आ जाता है फटाफट या पेटीएम वाले में तो एकदम मैसेज आता है, हमने ले रखा आईसीआईसी का नई गाड़ी का बाय डिफॉल्ट हमें मिला है वो कंपनी की तरफ से, इसमें क्या है मैसेज आता है काफी लेट। तो जब मैं लास्ट में वीडियो खत्म करता हूँ तो ऊपर लिख देता हूँ कितना हमारा डीजल लग गया, ये हमारे टोटल टोल थे। तो आप देख लीजिएगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्योंकि मैं बता नहीं सकता, मुझे वेट करना पड़ेगा कब तक मैसेज आते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का तो नेक्स्ट डे भी आता है कई बार मैसेज है कितना टोल कटा, तो लास्ट में आपको बता दूंगा। फिलहाल रोड बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो रोड अब बढ़िया हो गया पहले से ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास, मजा आ रहा गाड़ी चलाने में। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर लिमिट है मगर हम इस पर 85 तक भी गाड़ी चला रहे हैं बड़े आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतने पंप आपको एक्सप्रेस वे नहीं मिले होंगे जितने आपको लखनऊ से इसके पीछे मिल गए, कम से कम 10-12 पंप तो हमने देख लिए। और अभी भी 80 किलोमीटर के आसपास दूरी बची हुई है, 80-85 किलोमीटर। तो एक जैसा हाईवे है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक इसमें ना, और हम चलती हैं इस पर लगभग 30-40 किलोमीटर, तो कोई भी बदलाव नहीं दिखा लखनऊ से अभी तक कि भाई कहीं चौड़ा हो गया हो या रोड अच्छी आ गई, उस बिल्कुल सेम सीधा 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 चला जा रहा है ये। और जैसे कि इसमें लिखा आ रहा है कि ये आपका मुजफ्फरपुर तक जाता है, पटना तक जाता है, तो उस हिसाब से ट्रैफिक नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डाउट है कोई और हाईवे भी जाता होगा पक्का। फिलहाल तो बढ़ रहे हैं आगे, 1:00 दोस्तों 13 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हम 68 किलोमीटर दूर हैं अयोध्या से। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल आगे। तो भैया कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे लग रहा है मुझे, और ये जाम मिल गया बढ़िया वाला, सारे ट्रक रोक रखे हैं। तो फिलहाल ट्रक्स वगैरह रोक रखे हैं राइट साइड में मगर लेफ्ट साइड की लाइन धीरे धीरे चल रही है, तो कुछ समझ से परे है कि ट्रकों को ही रोक रखा है या और ट्रैफिक भी रुका हुआ है, तो फिलहाल कंफर्म नहीं है। देखते हैं आपको ये भी दिखाते हैं कि क्या समस्या है। फिलहाल ये धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। यहाँ लगा रखा है ये आपका थाना पटरंगा अयोध्या, यहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं और गाड़ियाँ रोक रखी हैं ट्रक। फिलहाल क्या मसला है ये पता नहीं है, अयोध्या में कोई वीआईपी एंट्री हो रही है आज ये भी नहीं कह सकते, इस वजह से रोक दिया हो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। बढ़ रहे हैं फिलहाल आगे और देखते हैं कि मसला क्या है। तो यहीं तक था, इस अटरंगा चेक पोस्ट तक जाम था, अब यहाँ से खुला है, तो गाड़ी खींचते हैं। लगभग 10 मिनट ख़राब हो गए हमारे यहाँ पे ना, भगवान का शुक्र था कि लेफ्ट साइड का ट्रैफिक चल रहा था उसकी वजह से हम निकल गए। 60 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई अयोध्या की। ट्रैफिक रोकने का कारण समझ नहीं आया मुझे क्या कारण है, क्योंकि आगे तो खाली है सारा। फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं रुदौली और 48 किलोमीटर दूरी रह गई है आपकी यहाँ से अयोध्या की, और हम बढ़ रहे हैं लगातार आगे। देवरिया और बलिया 332 और 228 है, सामने बोर्ड आ रहा है, ठीक ठाक स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं फिलहाल, 80-90 आराम से गाड़ी चला रहे हैं। तो लगता है हमें 1 घंटे के अंदर हम बड़े आराम से अयोध्या पहुँच जाएंगे।
72 33 34 किलोमीटर रह गया है, सीधा सीधा रोड है, आपको पता ही है, जहाँ से हम राइट हुए थे वहाँ से लगातार सीधी चल रही है गाड़ी ना, मतलब बिल्कुल सीधी, और बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं, मुझे लगता है मुश्किल से 20 से 25 मिनट हमें और लगने हैं यहाँ से। फिलहाल 1:46 हो गए और 20 मिनट ही बचे हैं हमें 8 घंटे पूरे होने में, जिसमें से आधा घंटे का हमारा एक ब्रेक था टोटल सारा मिला के 35 मिनट का, तो देखते हैं हमें कितना समय लगेगा। और सनाहा फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं, तो अच्छा सफ़र रहा अब तक, हाईवे ने कहीं भी हमें निराश नहीं किया। थोड़ा लखनऊ क्रॉस करने में हमें ज़रूर समय लगा, मगर मुझे लगता है कि तब भी बहुत बेहतरीन सफ़र रहा हमारा। कुछ पाबंदियाँ थी दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की, वरना हम और 10 से 15 मिनट पहले होते हैं यहाँ पे। अयोध्या विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम अयोध्या में एंटर कर गए। वैसे हम जिला अयोध्या में तो काफ़ी देर से चल रहे हैं, बहुत पहले ही हम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में आ गए थे, मगर विकास प्राधिकरण में अभी एंटर हुए हैं। तो 120 रुपये वन साइड और बोथ साइड हो गया आपका 180 रुपये। तो जो रोड किसी काबिल नहीं है उस रोड पे भी हमसे टोल लिया गया है यहाँ पे। देखिए हम लोगों का काम है आपको रियलिटी दिखाना, अगर इस हाईवे की कंडीशन ख़राब है और टोल इतना महंगा लिया जा रहा है, पीछे 115 और 120 यानी 235 रुपये टोल लिया हमसे 130 किलोमीटर का, यानी हम मोटा मोटा माने थे 180 80 पैसे पर किलोमीटर, मगर रोड की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इतना टोल लिया जाए, ठीक है। मगर एक और समस्या खड़ी हो गई कि सामने से पुल के ऊपर से लग रहा है जाम, तो सब गाड़ियां और हम भी नीचे से जा रहे हैं क्योंकि पुल के ऊपर दिखा रहा था तगड़े वाला जाम। देखते हैं पुल के नीचे से हमें ज़्यादा जाम मिलता है और पुल के ऊपर से। तो आज थोड़ा सा ना मतलब लखनऊ के बाद मज़ा नहीं आया वैसे ना, कभी कुछ कभी ट्रक रोक रखे हैं, कभी ट्रैफिक स्लो है, कुछ खास मज़ा नहीं आया लखनऊ के बाद गाड़ी चलाने में। थोड़ा सा राम मंदिर तो तैयार हो ही रहा था, इन रोडों को और तैयार कर लेते नहीं, थोड़ा लखनऊ अयोध्या हाईवे को मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़ायदा रहता। जब यहाँ पब्लिक एकदम टूट के पड़ेगी ना, तो बहुत लोग हैं जो आने के लिए बैठे हुए हैं कि कभी मंदिर खुलेगा और हम यहाँ पहुँचे, तब यहाँ बुरा हाल होने वाला है। खैर यहाँ पे रोज़गार के साधन भी बहुत बढ़ने वाले हैं और अयोध्या में भी पता नहीं कोई VIP एंट्री है या क्या मसला है, आज ना बड़ा पंगा हुआ है ये ट्रैफिक रोकने का। ये ट्रैफिक रुका हुआ है यहाँ पे और सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई है आपकी अयोध्या की। मूड ऑफ है आज इस चीज़ को देख के, कितनी दूर से आए हैं, 600-700 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं। तो मौसम देख के तो हम आते हैं, मगर हम VIP एंट्री देख के नहीं आए आज, और जिसका खामियाजा हम यहाँ के भुगत रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे कुछ बैठक थी, जिस वजह से सारा ट्रैफिक रुका हुआ, देखो ये सारा, और एक एक डेढ़ घंटे से रुके हुए लोग, हम तो खैर अभी आए हैं, तो देखते हैं कब खुलता है फिर बताते हैं आपको। फिलहाल आउटर पे हम, तो दोस्तों अयोध्या बाईपास के पास हम पहुंच गए हैं, और जो ये जाम का आपको रीजन बता देता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी वहां पे पहुंचे हुए हैं फिलहाल, जिस वजह से अयोध्या के अंदर जाने वाला सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। जब वो वहां से फ्लाइट से निकल जाएंगे तब जाके ट्रैफिक खुलेगा, फिलहाल तो ट्रैफिक है बंद। तो करते हैं वेट यहाँ पे और ट्रैफिक खुलने का करते हैं इंतजार। फिलहाल हम अयोध्या आउटर पे ही हैं और हम ही नहीं, काफी लोग यहाँ पे रुके हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल चल गई है लाइन, अचानक से ट्रैफिक खुल गया है। अभी गूगल पे हमने सर्च करा तो 1:30 प्रस्थान लिखा हुआ योगी जी का, तो हम पढ़ के नहीं आए थे, वरना आज तो बिल्कुल नहीं आते सारा समय आउटर पर खराब हो गया अपना, 20-25 मिनट हो गया हम यहाँ पे। और ये है कि चलो ट्रैफिक तो चल गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
तो देखते हैं हम यहाँ से जाम से हम कितनी देर में निकलते हैं। फिलहाल तो ट्रैफिक खुल गया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि 1:30 बजे मुख्यमंत्री जी का हमारा प्रस्थान था वापसी का, और वो चले गए हैं वापस। फिलहाल हम आउटर पे हैं दोस्तों, और अगर मैं समय की बात करूँ आपसे तो 25 मिनट यहाँ और 35 मिनट का ब्रेक, जिसमें पंप पे हमें टाइम लग गया था 10-15 मिनट, और 20 मिनट हम रुके थे हाईवे पे। टाइम हो रहा है फिलहाल 2:26, तो ये 1.25 घंटे का अगर मैं टाइम निकाल दूँ ना इसमें से, तो कितना टाइम समय लग गया कुल्लू में आते हैं टोटल 8 घंटे में से कितना समय लग गया? 8.5 घंटे हो गए चले लगभग, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे लग गए दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँचने में, और हम अयोध्या के आउटर पर खड़े। तो होता क्या है कि हम ना मैक्सिमम जब भी कोई ब्लॉग बनाते हैं तो हम मौसम देखते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं, मगर हम कभी ये नहीं देखते कि वीआईपी मूवमेंट हो रही नहीं हो रही। आज पहली बार फंस गए हम यूपी में वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में। फिलहाल स्टार्ट हो गया चलना, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 2:27। तो ऊपर से जा रहा है बाईपास और नीचे से जा रहा है भैया राम मंदिर का रास्ता, तो पता करते हैं पहले एक बार रिक्शा वाले से, और गाड़ी को रोकते हैं साइड में, तो पता करते हैं कि कहाँ से जाना है हमें। गूगल मैप बार बार रिक्शा चेंज कर रहा है। राम मंदिर जो नया बन रहा है, जो राम मंदिर बन रहा है, ये रास्ता कहाँ से जाएगा राम मंदिर का? आप ऊपर से जाओ, ऊपर से जाओ, 4 नंबर बूथ से आए होते हैं। अच्छा, 4 नंबर बूथ से। आगे से नहीं है रास्ता? आगे से नहीं जा सकते? अब नीचे से जाना, फिर ऊपर चढ़ जाए। भैया हमें जाना था ऊपर से और गड़बड़ हो गया, हम आगे नीचे से मैप बताने के मुताबिक, तो हमें इस पुल के ऊपर से जाना था, वो रास्ता सही था पहले वाला। तो गूगल मैप आपको ऐसे परेशान करेगा, तो घुसते ही ये पुल आएगा जिसे बस्ती के लिए लिखा होगा, तो आपको इसके ऊपर चढ़ना है और 4 नंबर गेट से लेफ्ट होना है। तो अब हम नीचे से जाएंगे, राइट होएंगे और फिर इस पुल के ऊपर चढ़ेंगे। पहले दिखा रहा था, फिर बोलने लगा कि रोड क्लोजर, फिर उसने यही रास्ता दिखाया। तो देखते हैं फिलहाल, हम पहुँच तो गए हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि हम राम मंदिर के सराउंडिंग में ही हैं। ये आप कह लीजिए अयोध्या के एंटर उसमें ही हैं हम सराउंडिंग में। इस पुल के ऊपर से जाना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नीचे से। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया 7.5 घंटे लगे हमें दिल्ली से यहाँ तक, जिसमें से अगर ट्रैफिक जाम हटा दें, क्योंकि ये ट्रैफिक जाम आपको नहीं मिलेगा, ये वीआईपी मूवमेंट का ट्रैफिक जाम था, तो 25 मिनट ये हमारे ख़राब हुए यहाँ पे। 20 मिनट का हमने एक ब्रेक लिया था, 15 मिनट हमने पेट्रोल पंप पे रुके थे। सारा मिला के अगर हम टोटल करें तो हमारा 1 घंटा कुछ बैठता है साहब, और अभी टाइम हो रहा है 2:37। पूरे 8.5 घंटे में हो गए तो 8.5 घंटे हो गए, मोटा मोटा 1 घंटा भी जाए तो 7.5 घंटे में आप दिल्ली से बड़े आराम से, बहुत आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं अयोध्या। और फिर लोकल जो ट्रैफिक होता है वो तो होता ही है, मैं तो आपको अयोध्या का ही बता रहा हूँ। देखिए पल्ली तरफ भी ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल जीरो कर रखा है उन्होंने फिलहाल। तो हाईवे की बात करें तो आप जानते ही हैं, शुरू में तो बढ़िया है बिल्कुल हाईवे, दोनों ही आपको एक्सप्रेस में मिलेंगे 500 किलोमीटर के, और आपको सिर्फ 100 कुछ किलोमीटर मात्र उस पर चलना है, नेशनल हाईवे पे 150 किलोमीटर के आसपास। थोड़ा बहुत आपको लखनऊ क्रॉस करने में टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने बताया काशीराम जी चौराहे से अगर आप राइट हो जाएं और लखनऊ बाईपास ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा मगर वो आपको जल्दी पहुंचाएगा। तो इस ब्लॉग को भी अब यही समाप्त कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अयोध्या में पहुंच चुके हैं और आउटर रिंग रोड पे हैं अयोध्या की। अब आपको थर्ड ब्लॉग में हम दिखाते हैं अयोध्या शहर प्लस मंदिर। तो यही हमारा ब्लॉग था जो दिल्ली से हमने आपको हाईवे का पूरा यहाँ तक का दिखा दिया। अब आपको हम दिखाते हैं राम मंदिर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा, कितना हमारा यहाँ तक डीजल लग गया, कितनी हमने गाड़ी चलाई और कितना हमारा टोल लग गया, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद दोस्तों।